Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course Studies of Playgroup to Class 12, Emotional and Communication Skills, Happiness classes and DIY activities. हेलो बच्चों, टुडे वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक एंजाइम चैप्टर 9 बायोमॉलिक्यूल्स क्लास 11th एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन. सो लेट्स स्टार्ट. मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर एज वेल दैट एंजाइम एक्शन इज व्हाट इट बेसिकली इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर अ रिएक्शन. इन बायोकेमिकल रिएक्शन एंजाइम एक्ट एज ए कैटलिस्ट विच स्पीड अप द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन. क्या करता है, आपके केमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देता है एंजाइम, और एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है. कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है. उसी के मैकेनिज्म के बारे में हम आज बात करेंगे. द केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन रिफर्स टू अ रिएक्शन. रिएक्शन क्या होती है, आपका कोई भी केमिकल कन्वर्जन. कन्वर्जन क्या है, एक केमिकल से दूसरा केमिकल बनना, उसमें बॉन्ड्स का टूटना या क्या मेकिंग या ब्रेकिंग. उसके बाद जो भी आपका दूसरा केमिकल बनता है, ये जो प्रोसेस होती है कन्वर्जन की, इसे क्या कहते हैं, रिएक्शन. द केमिकल विच इज़ कन्वर्टेड इन टू अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट. और सबस्ट्रेट किसे कहते हैं, जो भी केमिकल इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्शन में, जो कन्वर्ट कर दिया जाता है प्रोडक्ट में, उसको क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट. एंजाइम कन्वर्ट अ सबस्ट्रेट इन टू अ प्रोडक्ट. एंजाइम क्या करता है, सब्स्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है. सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड एज, सिंबॉलिकली हम इनको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एस फॉर सब्स्ट्रेट, ई फॉर एंजाइम एंड पी फॉर प्रोडक्ट. क्या होता है रिएक्शन में, सब्स्ट्रेट बाइंड करता है एंजाइम की एक्टिव साइट पे, उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे कहते हैं एंजाइम सब्स्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. ये ट्रांजिएंट और अनस्टेबल स्टेट है. क्या होती है, जो कि इन दोनों का जब कॉम्प्लेक्स बनता है, ये वाली जो स्टेट है वो स्टेबल नहीं रहती है. इसमें जल्दी से फंक्शंस होते हैं, मतलब स्टेबिलिटी होगी तो फिर ये इसी तरह से कॉम्प्लेक्स के रूप में ही क्या प्रेजेंट होंगे, पर नहीं होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं. ट्रांजिएंट मतलब है इनके पास क्या हाईएस्ट मैक्सिमम एनर्जी कंटेंट है इस टाइम पर, इसीलिए इनको ट्रांजिएंट क्या कहते हैं, स्टेट भी कहते हैं जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है. अब ईएस कॉम्प्लेक्स में क्या होते हैं, ब्रेकिंग और मेकिंग होती है, बेसिकली केमिकल कन्वर्जन होता है और जो सब्स्ट्रेट होता है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है प्रोडक्ट में. ईपी कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जैसे ही प्रोडक्ट बन जाता है, एंजाइम उनको रिलीज़ कर देते हैं. रिलीज़ करने के बाद जो एंजाइम बचता है वो एज इट इज़ पहले की तरह होता है और वो दूसरे रिएक्शन के लिए तैयार रहता है, सब्स्ट्रेट को चेंज करने के लिए. हेयर डायग्राम में देखिए, एंजाइम है यहाँ पे आपके, ये जो दो राउंड है और क्या है, ये एक आपका शेप में है कोनिकल. तो दो आपके सबस्ट्रेट जो हैं, दोनों सबस्ट्रेट आके यहाँ पर जुड़ेंगे, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाया. इसके बाद क्या होता है, ये जो दो यहाँ पर देखिए आप, ये क्या है आपका, ए बी और सी बॉन्डेड है, ए नहीं बॉन्डेड है. मेकिंग और ब्रेकिंग हुई तो जो ये बना है कॉम्प्लेक्स, ये ई पी कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका ये जो बॉन्ड है, देखिए यहाँ पर ब्रेक हो गया है आपके, बी सी ब्रेक करके ए बी क्या कर दिया, मेकिंग हो गई बॉन्ड की. तो जो आपका एंजाइम है, जैसे ही उन्होंने ये बॉन्ड मेकिंग हुई, ए बी बना, उसके बाद एंजाइम ने इन्हें रिलीज़ कर दिया. तो ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं, ए बी यहाँ पर क्या था पहले स्टार्ट में देखिए, सबस्ट्रेट क्या था, ए अलग था और बी सी जो थे बाइंडेड थे. अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है तो ए बी जो है वो बॉन्डेड हैं और सी आपका क्या है, सेपरेट कर दिया गया है. तो दिस इज़ ऑल व्हाट एंजाइम एक्शन. एंजाइम ने क्या करा, इनको सरफेस प्रोवाइड किया और इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड की ताकि ये कन्वर्जन हो सके. नाउ लेट्स सी द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस एंजाइम एक्शन. क्या होता है, नेचर क्या है एंजाइम एक्शन का, उसमें हम यहाँ देखेंगे. एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट ऐड करके बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. उसके बाद वहाँ पर रिएक्शंस होती हैं और एंजाइम में ही आपके जो वो जो भी चेंजेस करता है, उसके बाद क्या बनता है आपका, प्रोडक्ट बनता है. ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है आपका. ये दोनों ही स्टेबल जो स्टेट्स हैं वो अनस्टेबल स्टेट्स हैं. जैसे ही प्रोडक्ट बन जाता है, एंजाइम उनको रिलीज कर देता है और एंजाइम नेक्स्ट उसके लिए रेडी रहता है. इनको स्टेप्स में यहाँ पर शो किया गया है. स्टेप्स इन द कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन. फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट द सबस्ट्रेट बाइंड्स द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइड. सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा एक्टिव
साइड पे एंजाइम की बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू ऑल्टर इट्स शेप फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट. जैसे ही सबस्ट्रेट आएगा, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आएगा स्पेसिफिक एंजाइम के पास, उनकी बाइंडिंग को इंड्यूस कर देगा शेप चेंज करने के लिए. एंजाइम शेप चेंज करेगा और बाइंडिंग जो होगी फिट हो जाएगी, टाइट हो जाएगी आपकी सबस्ट्रेट की एंजाइम से. द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम नाउ इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट एंड द न्यू एंजाइम प्रोडक्ट इज फॉर्म. क्या करेगा आप यहाँ पर ब्रेकिंग हुई बॉन्ड की आपके सबस्ट्रेट में और वो किसी और सबस्ट्रेट से, मतलब जो भी मेकिंग हुई या ब्रेकिंग हुई वो यहाँ पर इंड्यूस कर दी जाती है. उसके बाद आपका एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स जो हो बन जाता है. एंड देन स्टेप फोर द एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट एज वेल एज द प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड. एंजाइम क्या करेगा उसको रिलीज़ कर देगा और रिएक्शन आपकी पूरी हो जाएगी एंड दिस फ्री एंजाइम इज़ रेडी टू बाइंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट एंड रन थ्रू द कैटालिटिक साइकिल वन अगैन. उसके बाद आपका एंजाइम रेडी है दूसरी साइकिल में इन्वॉल्व होने के लिए. सो दैट्स ऑल इन द एंजाइम एक्शन और मैकेनिज्म. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.